हालेलुया पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र परमेश्वर राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर स्तुति पर विराजमान खुदा हम आपके पास आते हैं आपके नजदीक में आते हैं आपके चरणों में आते हैं खुदा पिता परमेश्वर तूने हमें संभाला रक्षा किया जीवित रखा भला चंगा रखा स्वस्थ रखा इस बात के लिए परमेश्वर हम आपका आदर और इज्जत करते हैं पिता परमेश्वर हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं हम आपके नाम की स्तुति करते क्योंकि पिता परमेश्वर तूने हमारे प्राणों को मृत्यु से हमारी आंखों को आंसू बहाने से और हमारे पैरों को ठोकर खाने से बचाया इस बात के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए परमेश्वर के नाम की महिमा कीजिए क्योंकि उसने हमें संभाला रक्षा किया जीवित रखा भला चंगा रखा उसके प्रेम के लिए उसकी भलाइयों के लिए उसके उपकार के लिए परमेश्वर का आदर करें परमेश्वर के नाम की महिमा करें परमेश्वर के नाम की स्तुति करें मेरे प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए परमेश्वर के नाम की महिमा कीजिए क्योंकि उसने हमारी रक्षा किया है हमें हर प्रकार की बीमारी से रक्षा किया इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए मेरे प्रिय हमें कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है हमें बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है हमारी रक्षा करने वाला हमारा यीशु मसीह है हमें सुरक्षित रखने वाला हमारा यीशु मसीह है इसलिए हमें किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है सिर्फ और सिर्फ प्रभु में आगे बढ़ना है परमेश्वर के वचनों को पढ़ना है नम्र और दीन होकर प्रार्थना करना है मेरे प्रियो इसलिए आइए हम सभी मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें परमेश्वर के नाम की महिमा करें और प्रभु के चरणों में आए नम्र और दीन होकर प्रभु के चरणों में आए विश्वास के साथ प्रभु के चरणों में आए हमें हर प्रकार की बीमारी से सुरक्षित रखेगा वो हमें हर प्रकार के खतरों से बचाएगा हमें हर प्रकार की बीमारी से बचाएगा अंधकार की शक्तियों से बचाएगा हमें किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है हमें किसी बात से चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो हालेलुया रब शंडर दनल रब यीशु मसीह तेरा धन्यवाद यीशु मसीह तेरा धन्यवाद हालेलुया 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 पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र परमेश्वर राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं हम आपके नाम की महिमा करते हैं हम आपके नाम की स्तुति करते हैं हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं मेरे प्रिय परमेश्वर के चरणों में आइए परमेश्वर के कदमों में आइए परमेश्वर के उस सामर्थ्य वचन को ग्रहण कीजिए मेरे प्रिय हालेलुया परमेश्वर का सामर्थ्य वचन कहता है तुझे किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तेरे संग हूँ मैं तुझे बचाऊंगा मैं तुझे सुरक्षित रखूंगा हालेलुया मैं तुझे हर विपत्तियों से रक्षा करूंगा मैं तुझे हर प्रकार की बीमारियों से रक्षा करूंगा हर प्रकार की महामारी से तुझे रक्षा करूंगा ऐसा वचन में लिखा है उन सामर्थ्य वचनों को उन जीवित वचनों को आप वो ग्रहण कर लीजिए मेरे प्रिय हालेलुया रब शंदर दनल रब ओ रिखनल रथिनल रदनल रब पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं समय के लिए इस समय के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर हालेलुया पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र परमेश्वर मेरे प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद करें परमेश्वर के नाम की महिमा करें क्योंकि आराधना में चंगाई है आराधना में छुटकारा है विश्वास की प्रार्थना के द्वारा हर एक प्रकार की बीमारी खत्म होती है विश्वास की प्रार्थना के द्वारा बंधन टूट जाते हैं विश्वास की प्रार्थना सुनी जाती है मेरे प्रियो इसलिए परमेश्वर के कदमों में आइए प्रभु के चरणों में आइए और प्रभु की महिमा कीजिए मेरे खुदा इस समय में जितने भी प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर हर एक लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु हर एक जन को तू छू ले और पवित्र कर दे हर एक जन को अभिषेक से भर दे अपने सामर्थ से भर दे आपके लहू के द्वारा शुद्ध और पवित्र कर दीजिए आपके पवित्र आत्मा से पिता परमेश्वर सामर्थ से भर दीजिए यीशु के नाम से जिस स्थान से प्रार्थना हो रही प्रभु उन स्थानों को तेरे पवित्र हाथों में सौंप देता हूं परमेश्वर उन स्थानों को पवित्र आत्मा से भर दे वहां पर पवित्र आत्मा की आग बरसने पाए और चंगाई और छुटकारा होने पाए यीशु के नाम से परमेश्वर के ऊपर विश्वास कीजिए परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखिए परमेश्वर आपको कोरोना से सुरक्षित रखेगा परमेश्वर आपको कोरोना से बचाएगा हर प्रकार की महामारी से बचाएगा अंधकार की शक्तियों से बचाएगा शैतान की शक्तियों से बचाएगा खमा बबारा शिकनल रथिनल रदा रिखनल रथिनल रबा मेरे पिता मेरे स्वामी आज मैं उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जितने भी कोरोना पॉजिटिव है परमेश्वर जितने भी बुखार में पीड़ित है परमेश्वर जितने भी श्वास लेने में दिक्कत है परमेश्वर यीशु के नाम में उन्हें चंगाई दे
यीशु के नाम से उन्हें अभिषेक से भर दे, उन्हें अभिषेक से भर, उन्हें सामर्थ से भर और उन्हें चंगाई दीजिए यीशु के नाम से। खम बब्बारा शिकनल रथी तो छूले छूले परमेश्वर और अभी इसी वक्त चंगाई दीजिए परमेश्वर। पिता जितने भी हॉस्पिटल में है पिता परमेश्वर, जितने भी पिता परमेश्वर कमजोरी में है परमेश्वर, जितने भी बीमारी में तड़प रहे परमेश्वर, सभी को मैं तेरे पवित्र हाथों में सौंप देता हूं प्रभु। तू चंगाई दे अभिषेक से भर, अपनी सामर्थ से भर परमेश्वर पिता। उनके शरीर में से नाना प्रकार की बीमारी खत्म हो जाए, कैंसर की बीमारी, मिर्गी की बीमारी, शुगर की बीमारी, ब्रेन ट्यूमर यीशु के नाम से खत्म हो जाए प्रभु। दया कर प्रभु, दया कर प्रभु, रहम कर और अपने सामर्थ से भर दे और उन्हें चंगाई दीजिए, उन्हें उठाकर खड़ा कीजिए परमेश्वर, ताकि वो आपकी महिमा जयकार के साथ करने वाले बन जाए, आनंद के साथ करने वाले बन जाए प्रभु। हाँ यीशु, हाँ पिता, तूने प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। पूरा आदर और इज्जत जलाल हम आप ही को देते हैं पिता, पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम तेरे ही हाथों में सौंपना चाहते हैं खुदा। हाँ पिता, हाँ स्वामी, तेरा धन्यवाद। अनुग्रहकारी परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। स्तुति पर विराजमान खुदा, तेरा धन्यवाद। मेरे पिता, मेरे स्वामी, उन लोगों में प्रार्थना करता हूँ प्रभु जो बेरोजगारी में है पिता परमेश्वर, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है पिता परमेश्वर, जिनके ऊपर पिता परमेश्वर भारी कर्जे का श्राप है परमेश्वर, आज श्राप के बंधन टूटने पाए, अंधकार की शक्ति मिटने पाए, गरीबी के श्राप खत्म होने पाए यीशु के नाम से, हर एक बंधन टूटने पाए से प्रार्थना करता हूँ प्रभु। दया कर प्रभु, रहम कर पिता परमेश्वर, उनके लिए जॉब और बिजनेस का प्रबंध कीजिए यीशु मसीह नासरी के नाम से, उनके जीवन में से हर प्रकार के कर्ज खत्म हो जाए प्रभु। दया कर प्रभु, दया कर प्रभु, दया कर। जितने भी बिजनेस करते हैं पिता परमेश्वर, उनका अच्छे से अच्छा बिजनेस चलने वाला बन जाए प्रभु यीशु के नाम से। यीशु मसीह तेरा धन्यवाद, यीशु मसीह तेरा धन्यवाद। उन प्रिय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ जो अनाथ और विधवाएं हैं पिता परमेश्वर, जिनका पिता परमेश्वर कोई सहारा नहीं है पिता परमेश्वर, बेसहारों का सहारा तू है परमेश्वर यीशु के नाम से। जिनका कोई सहायक नहीं है उसका तू सहायक है खुदा, और उनकी तू सुधि लेने वाला परमेश्वर। उनके अकेलेपन को दूर कर, उनके बीमारी को दूर कर, उनके तकलीफों को दूर कर, उनकी चिंताओं को दूर कर, उनको तनाव से बाहर निकाल यीशु के नाम से। ओ खुदा तेरा धन्यवाद, हे पिता तेरा धन्यवाद, हे स्वामी तेरा धन्यवाद। तूने प्रार्थनाओं को सुना, पूरा आदर और इज्जत जलाल हम आप ही को देते हैं मेरे खुदा। उन प्रिय भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ जिनका पिता परमेश्वर किसी ने कब्जा किया है पैसों के ऊपर, किसी ने पिता परमेश्वर भूमि के ऊपर कब्जा किया है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह तेरे लोगों को तू पिता परमेश्वर मदद कर, उनके पिता परमेश्वर तू सहायता कर यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। जिन्होंने भी धोखा दिया है, जिन्होंने भी पिता परमेश्वर पैसा उधार लिया और नहीं दे रहे, उनके जीवन को बदल दे परमेश्वर यीशु के नाम से। कम बबारा शिकनल रथी, ताकि पिता परमेश्वर वो पैसा लौटाने वाले बन जाए और पिता परमेश्वर वो तुझे जानने और पहचानने वाले बन जाए। प्रार्थना करता हूं प्रभु, तेरे लोगों को तू मदद कर परमेश्वर, तेरे लोगों को तू सहायता कर पिता परमेश्वर यीशु के नाम से। उनकी सारी योजनाओं को सफल कीजिए पिता परमेश्वर यीशु के नाम से, उनकी भूमि और पैसे वापस मिलने पाए, ताकि पिता परमेश्वर उनका कर्जा खत्म हो जाए यीशु के नाम से। कम बबारा शिकनल रथी, हां पिता, हां स्वामी, तूने प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। पूरा आदर और इज्जत जलाल हम आप ही को देते हैं पिता परमेश्वर। उन जवानों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं जो तेरी राहों से भटक कर परमेश्वर पिता व्यभिचार की दुनिया में जा रहे परमेश्वर, नशे की दुनिया में है पिता परमेश्वर, लड़ाई झगड़े की दुनिया में है पिता परमेश्वर। हर एक लोगों को तेरे पवित्र हाथों में सौंप देता हूं प्रभु, उनके बीच में से लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए, उनके बीच में से हर प्रकार का नशा खत्म हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। वो तेरी राहों पर आने वाले बन जाए प्रभु। दया कर प्रभु, दया कर प्रभु, नर्क की आग से बचा ले, अंधकार की शक्तियों से बचा ले प्रभु यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। उन्हें पिता परमेश्वर तेरी सामर्थ से भर दे, ताकि पिता परमेश्वर हर प्रकार का पाप छोड़कर तेरे पीछे चलने वाले बन जाए प्रभु यीशु के नाम से। रबा शंदर अदनल रबा ओ रिकनल रतिनल रदनल रबा। हां खुदा, हां स्वामी, तूने प्रार्थनाओं को सुना, पूरा आदर और इज्जत जलाल हम आप ही को देते पिता परमेश्वर। आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की स्तुति हो। हां खुदा, तूने प्रार्थनाओं को सुना मेरे खुदा। उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं प्रभु जिनके पास कोई औलाद नहीं है खुदा, यीशु मसीह नासरी के नाम से उनके पास औलाद होने पाए यीशु के नाम से। उनके गर्भ को खोल दे परमेश्वर यीशु के नाम से, उनके कोख को खोल दे पिता परमेश्वर यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। उनके जीवन में से, उनके शरीर में से हर प्रकार की बीमारी, गुप्त रोग यीशु के नाम से खत्म हो जाए। और प्रभु तू दया कर, तू दया कर, तू दया कर, और पिता परमेश्वर के वंश उत्पन्न होने पाए से प्रार्थना करता हूं। हां यीशु, हां पिता, तूने प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद। पूरा आदर और इज्जत जलाल हम आप ही को देते हैं। सब बातें आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रिय। परमेश्वर के ऊपर विश्वास कीजिए, परमेश्वर के ऊपर भरोसा
भरोसा रखिए, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा, चाहे वो कोई से भी बीमारी, हालेलुया, हर प्रकार की महामारी से रक्षा करेगा, हर प्रकार के संकट से रक्षा करेगा, हालेलुया रबा संदरा दना बाला रबा ओ रिकनल रतिनल रदनल रबा। हां यीशु, हां पिता, तूने प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद, पूरा आदर और इज्जत जलाल हम आप ही को देते परमेश्वर पिता। मेरे प्रिय परमेश्वर के ऊपर विश्वास कीजिए, क्योंकि वो महान सामर्थ्य परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है, वो हमारी रक्षा करता है, वो हमें सुरक्षित रखता है, हालेलुया। पिता परमेश्वर, उन जवानों के लिए, उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं प्रभु, जो पिता परमेश्वर कोर्ट के केस में फंसे हैं, पिता परमेश्वर यीशु के नाम में उन्हें छुड़ा ले, यीशु के नाम में उन्हें छुड़ा ले परमेश्वर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, दया कर पिता परमेश्वर, और उनका कोर्ट का केस खत्म हो जाए यीशु के नाम से रबा शंदर रबा। हां खुदा, तूने प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद, पूरा आदर और इज्जत जलाल हम आप ही को देते परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से उन प्रिय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, उन परिवारों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, जो पति पत्नी अलग है पिता परमेश्वर, छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़े होकर परमेश्वर पिता वो एक दूसरे से अलग हो रहे परमेश्वर, कई ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे से अलग हो रहे पिता परमेश्वर, उनके बीच में से हर प्रकार के पिता परमेश्वर लड़ाई झगड़े बुराइयां खत्म हो जाए और प्रेम की संधि आ जाए, ताकि पिता परमेश्वर पति पत्नी एक साथ रहे और आपकी महिमा करने वाले बन जाए, परिवार को टूटने से बिखरने से तू बचा ले, ऐसे प्रार्थना करता हूं प्रभु, दया कर प्रभु, रहम कर परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं। हां यीशु, हां पिता, तूने प्रार्थना को सुना, उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं जो आज पिता परमेश्वर बीमारी में पिता परमेश्वर तड़प रहे परमेश्वर, पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जो तेरे दास और दास है प्रभु, जितने भी सेवक गण पिता परमेश्वर कोरोना पॉजिटिव प्रभु चंगाई दे, अभिषेक से भर, अपनी सामर्थ्य से भर, उनका जीवन दान दीजिए, तेरी सेवा के लिए ऊंचा उठाइए परमेश्वर, यीशु के नाम से अभिषेक से भर दे परमेश्वर, अपनी सामर्थ्य से भर दे पिता परमेश्वर, आपके लोगों को तू बचा ले प्रभु, आपके लोगों को तू बचा ले प्रभु, आपकी महिमा के लिए। हाँ यीशु, हाँ पिता, तूने प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद, पूरा आदर और इज्जत जलाल हम आप ही को देते हैं, सब बातें आपके हाथ में सौंपते मेरे खुदा, हमारे किसान भाइयों को आशीष दे परमेश्वर, हमारे किसान भाइयों को अभिषेक से भर दे परमेश्वर, उनके जीवन में से हर प्रकार की बेरोजगारी, उनके जीवन में से हर प्रकार की बीमारी यीशु के नाम से खत्म होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हाँ यीशु, हाँ पिता, तूने प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद, पूरा आदर और इज्जत जलाल हम आप ही को देते हैं, मेरे प्रिय परमेश्वर के ऊपर विश्वास कीजिए, आपको किसी बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है, आपको किसी कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें बचाने के लिए हमारा सामर्थ्य पिता हमारे पास है, हमें बचाने के लिए हमारा सामर्थ्य खुदा हमारे साथ है, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कीजिए और भरोसा रखिए, परमेश्वर हमें बचाएगा, परमेश्वर हमें सुरक्षित रखेगा, हालेलुया। हां यीशु, हां पिता, तूने प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद, पूरा आदर और इज्जत जलाल हम आप ही को देते हैं, सब बातें आपके हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवित रब के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धर्मेश्वर ने बोला आमीन, हालेलुया। हमें किसी से भी नहीं डरना है, चाहे वो कैसी भी बीमारी हो, चाहे कैसी भी तकलीफ हो, हमें किसी से नहीं डरना है, क्योंकि यहोवा सामर्थ्य परमेश्वर हमारे साथ है, हमें बचाने के लिए हमारा खुदा हमारे साथ है, हमें तो सिर्फ और सिर्फ विश्वास में आगे बढ़ना है, प्रार्थना और वचन में आगे बढ़ना है, प्रभु में आगे बढ़ना है, हालेलुया। प्रभु में आप सदानंदित रहें, खुश रहें, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।